नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग और वचन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, शेर शेरनी आदि। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग मास्कुलिन जेंडर जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, भाई, बालक, कुत्ता, शेर, घोड़ा, ताला आदि। दूसरा आता है स्त्रीलिंग, यानी कि फेमिनिन जेंडर, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, पत्नी, शेरनी, छतरी, बकरी, लड़की आदि। अब हम लोग जानते हैं कि लिंग को कैसे पहचानें। लिंग की पहचान, प्रायः पुरुष जाति के संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा स्त्री जाति के संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में लिंग निर्धारण के कुछ नियम हैं, कभी कभी इनमें अपवाद भी मिलता है। पुल्लिंग की पहचान, निम्नलिखित शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे देशों के नाम, सागरों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, अनाजों के नाम, शरीर के अंग, ग्रह नक्षत्र, द्वीपों के नाम, रत्नों के नाम और दिनों के नाम। वैसे ही स्त्रीलिंग जाति की पहचान के लिए स्त्रीलिंग जातियों में लिपियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, सब्जियों के नाम, मसालों के नाम, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। हम लोग पढ़ते हैं लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। आ प्रत्यय लगाकर, जैसे पुल्लिंग में अगर अश्व है तो आ लगाकर हम लोग उसको स्त्रीलिंग में अश्वा बना देंगे। बाल बाला, पूज्य पूज्या, छात्र छात्रा, श्याम श्यामा। दूसरा है ई प्रत्यय लगाकर, जैसे कि अगर पुल्लिंग में नर है तो वो ई लगाकर नारी हो जाएगा, नर नारी, बकरा बकरी, दादा दादी, लंबा लंबी, गोप गोपी। तीसरा इया प्रत्यय लगाकर, इया प्रत्यय लगाकर जैसे कि अगर पुल्लिंग में गुड्डा है तो हम लोग इया लगाएंगे तो गुड़िया हो जाएगा, गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, खाट खटिया, कुत्ता कुतिया, चिड़ा चिड़िया। चौथा है इका प्रत्यय लगाकर, जैसे अगर पुल्लिंग में बालक है तो उसको स्त्रीलिंग में हम लोग बोलेंगे बालिका, गायक गायिका, याचक याचिका। फिर आता है इन प्रत्यय लगाकर, जैसे धोबी है तो इन लगाकर धोबिन हो जाएगा, और आनी है तो वो जैसे कि जेठ से अगर हम लोग को स्त्रीलिंग में करना है तो फिर हम लोग जेठानी जेठानी हो जाएगा। और उसके बाद आता है आइन, आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन। उसके बाद आता है री प्रत्यय लगाकर, जैसे दाता दात्री, नेता नेत्री, निर्माता निर्मात्री। उसके बाद आता है मति और वती लगाकर, जैसे भगवान भगवती, गुणवान गुणवती। इसके बाद आता है नर की जगह मादा लगाकर, जैसे नर भालू मादा भालू, नर कोयल मादा कोयल। और उनमें से एक प्रकार है जो कि बिल्कुल भिन्न हो जाता है, जैसे विद्वान विदुषी, कवि कवित्री, पुत्र पुत्रवधु, भाई भावी, बैल गाय, विधुर विधवा। अब हम लोग आते हैं वचन पे। तो वचन में, वचन हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं।
वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन बहुवचन। तो एक वचन जिन शब्दों से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बेटा, घोड़ा, लड़की आदि। बहुवचन जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, कपड़े आदि। अब इसमें आता है वचन परिवर्तन। तो फिर हम लोग एक वचन से अगर बहुवचन को चेंज करना है तो इसमें कुछ नियम लगते हैं, वो नीचे निम्नलिखित हैं। जैसे शब्दों में आ के स्थान पर ए करना, जैसे कि पुस्तक तो पुस्तकें, बात बातें, मांग मांगे। दूसरा आता है आ के स्थान पर ए करना, जैसे बेटा बेटे, बच्चा बच्चे, रास्ता रास्ते। तीसरा आता है ई या ई के स्थान पर इया करने से, जैसे जाति जातियां, शक्ति शक्तियां। चौथा आता है आ उ और ओ के स्थान पर ए करने से, जैसे गाथा गाथाएं, भावना भावनाएं, गो गोएं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लिंग तथा वचन पूरी तरह से पूरा हो चुका है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक स्टे होम स्टे सेफ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं और ऐसे ही शॉर्ट लेसन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।